गए स्कूल जाते हो? जाते हैं, मगर मारता है सर जी। क्यों मारता है? कहता गंदा मत आना। गंदा मत आना। अच्छा, गंदा होके मत आना। अभी उम्र नहीं है पढ़ाई करने की? जब उम्र होगा तब ना, अभी कहाँ उम्र है। अच्छा, अभी उम्र नहीं है। शादियों ब्याह नहीं करे तो कहाँ उम्र है। शादी भीख मांगने में कैसा लगता है तुमको? लगता है कि जीवन ऐसे निकल जाएगा भीख मांगने से? मिल जाएगा तो हम लोग खा लेते हैं, 50-100 रुपया मिल जाता है खा लेते हैं। जब नहीं मिलता है तो? हाँ, जब नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता है, अपना सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। हाँ, मांगने जाते हैं, बाकी देता है कोई नहीं, कोई नहीं देता है। क्या सोचा है भविष्य के बारे में? आर्मी। आर्मी में जाना है, देश का सेवा करना है। हम अपना पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे? बस अब पढ़ाई ध्यान के पास होंगे तो अपने मम्मी की जिंदगी देंगे, मम्मी को अच्छा जिंदगी दोगे। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हम पटना के सड़कों पर ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर जो लोग ऐसे घर के, जिनके पास अपने घर का छत नहीं होता है, जिनके सर पे छत नहीं होता है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चे कैसे अपना भविष्य देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और ऐसे में हम चल के एक बच्चे से आपको मिलवाएंगे जिसका बताइए, स्कूल जाते हो? नहीं। कितने साल के हो? 5 साल का समझ लीजिए होगा, ना समझ लीजिए 6 का। 6 साल के हो? हाँ। तुमको तुम्हारी उम्र नहीं पता? नहीं, उम्र नहीं पता। जन्मदिन कब हुआ था ये पता है? नहीं पता। घर में कौन कौन है? माँ है, पापा है, हम। तुम हो? क्या करते हैं पिताजी? पिताजी मांगते हैं, भीख मांगते हैं। हाँ। तुम क्या करते हो? हम भी भीख मांगते हैं। तुम भी भीख मांगते हो? हाँ। घर ऐसे ही चलता है? हाँ। कभी स्कूल जाने का नहीं सोचा है? नहीं, पढ़ाएगा तब ना हम लोग जाएंगे। तो सरकारी स्कूल खुले हैं, कभी गए हो सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं, कभी नहीं। अच्छा चुनो, ये बताओ, पिताजी भी भीख मांग के खाते हैं, तुम भी भीख मांग के अपना घर चला रहे हो, ऐसे ही जीवन काटना है या आगे अपने भविष्य के लिए कुछ सोचा है तुमने? हम लोग गरीब का कैसे सोचेंगे, मानना भीख मांग कर खाते हैं अपना रोड, देखो मांग कर खा रहा है, देखो रोड पे, उसने हम लोग भीख मांग कर खाते हैं। अच्छा लगता है भीख मांगने में? हाँ, भीख मांगने में कैसा लगता है तुमको? लगता है कि जीवन ऐसे निकल जाएगा भीख मांगने से? मिल जाएगा तो हम लोग खा लेते हैं, 50-100 रुपया मिल जाता है खा लेते हैं। जब नहीं मिलता है तो? हाँ, जब नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता है, अपना सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। हाँ, दही चूरा खाते अपना सो जाते हैं। चूरा गुड़ खा रहे हो अभी भी तुम? हाँ। अच्छा चुन्नू, ये बताओ, तुम समझदार लग रहे हो हमको, तुम अपना घर चला रहे हो, वो भी भले भीख मांग के चला रहे हो लेकिन चला रहे हो। चुन्नू ये बताओ, क्या लगता है अभी इतने छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो भी भीख मांग के ही खाओगे या उसके लिए कुछ करोगे, कुछ काम करोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ बनना है? बड़े हो जाए तब पढ़ेंगे, अपना लिखेंगे, बड़े होके पढ़ोगे लिखोगे? हाँ। अभी उम्र नहीं है पढ़ाई करने की? जब उम्र होगा तब ना, अभी कहाँ उम्र है। अच्छा अभी उम्र नहीं है, शादियों ब्याह नहीं करे तो कहाँ उम्र है। शादी ब्याह करना है? हाँ, शादी ब्याह करना, करा दीजिए, राजी है। अच्छा शादी ब्याह करने के लिए ये राजी है? शादी ब्याह करने के लिए राजी हो, स्कूल जाने के लिए राजी नहीं? उम्र नहीं, क्या नहीं मिलता, कहाँ करे राजी वाली, हम तो राजी वाली। ये शादी करने के लिए राजी है लेकिन? अच्छा ये बताओ चुन्नू, बनना क्या है बड़ा होके? बड़ा होके कुछ सोचा है क्या बनोगे? सरकार बनना चाहिए हम लोग। क्या 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 क्या? सरकार पढ़ने चाहिए, हम बड़ा हो गए मकान मिलना चाहिए, बड़ा होगा पास करना चाहिए, पास होके हो जाएंगे, सरकार बनाना चाहिए, ये पास हो जाएंगे। ठीक है, किस चीज़ में पास हो जाओगे? जैसे जैसे कलम में लिखना पास हो जाएंगे, जैसे कलम वाला चलाने जानी जानी फट फट पढ़ाई करना। हाँ, पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ। पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो? हम लोग डॉक्टर। डॉक्टर बनना? हाँ। है जैसे बच्चन को सब जो बीमारी जो फैलाया ना उस लोग को बचाना चाहिए। तो चुन्नू ये बताओ, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो पढ़ाई करके, लेकिन तुम अभी जिस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हो, तुम क्या तुम भीख मांग के खा रहे हो, तुमको लगता है कि तुम ऐसे चलता रहा तो डॉक्टर बनोगे? हम लोग बेकार गरीब लोग तो कहाँ भीख मांगेंगे खाएंगे। तुम्हारा नाम क्या हुआ? साजन। क्या करते हो? मांगते। तुम भी भीख मांगते हो? कितने साल के हो? पता नहीं है कितने साल के हो, नहीं पता। अच्छा ये बताओ साजन, जब भीख मांगने जाते हो और कोई पैसा नहीं देता है तो खराब नहीं लगता है? लगता है। लगता है ना? अब मान लो कि अगर तुम भीख मांगने जा रहे हो तो तुमको कोई पैसा दे दिया तो तुम उस समय खाना खा लेते हो, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं देता तो खाना कैसे आता है? सो जाते संके खा, चूरा उरा रहता है तो खा लेते, चूरा खा के सो जाते हो। जीवन भर यही करना है कि कुछ सोचा है आगे पढ़ाई करने का? स्कूल गए हो कभी? गए। स्कूल
जाते हो? जाते हैं, वक्त मारता है सर जी। क्यों मारता है? कहता गंदा मत आना। गंदा मत आना। अच्छा, गंदा होके मत आना। क्या बनना है बड़ा होके? बड़ा होके पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? पुलिस क्यों बनना है? चोर लोग भागेंगे पकड़ के उसको मारेंगे। अच्छा, चोर लोग भागेंगे पकड़ के मारेंगे। अच्छा साजन, ये बताओ क्या लगता है कि सिर्फ भीख मांग के जिंदगी चल जाएगी कि काम भी करोगे कभी जीवन में? काम भी करेंगे, मांगेंगे नहीं। मांगना नहीं है? नहीं चाहते हो मांगना? मजबूरी है मांगना? बोलो। मांगने जाते हैं बाकी देता है कोई नहीं। कोई नहीं देता है। क्या नाम हुआ? साजन। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? स्कूल जाते हो? मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी काम करती है। क्या काम करती है? भीख मांगती है। अच्छा, भीख मांगती है। पिताजी भी वही करते हैं? पिता नहीं है। अच्छा, पापा नहीं है, माँ है। तुम कितने साल के हो? कितना हो गए? कितना? 11 साल के। कितने भाई बहन हो? 5 भाई है। 5 भाई हैं। पिताजी नहीं है, मम्मी भीख मांगती है। क्या बनना है बताओ? कि क्या सोचा है भविष्य के बारे में? आर्मी। आर्मी में जाना है, देश का सेवा करना है। लेकिन तुमको नहीं लगता जैसे तुम अभी जिंदगी जी रहे हो इस जिंदगी से तुमको बाहर निकलना है? अच्छा लगता है जब मम्मी भीख मांगती है तो? नहीं अच्छा लगता ना? क्या चाहते हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो ये बताओ? काम करेगी तो अच्छा पड़ेगा ना? काम करेगी तो भीख मांगने से अच्छा नहीं पड़ेगा। अच्छा नहीं पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है। गोड़ टूट जाएगा तो फिर प्लास्टर हो जाएगा, इसीलिए भीख मांगने के नहीं। नहीं। अच्छा यही रहना, तुमसे अभी और बात करेंगे। ये बच्चा का ये कहना है कि इसके पिता नहीं है, 5 भाई है, और इसकी जो माँ है वो भीख मांग के अपने 5 बेटों का गुजारा करती है। लेकिन ऐसे में इस बच्चे का दिल देखिए कि अपनी माँ को जब इस हालत में देखता है तो ये कभी नहीं चाहता है कि इसकी माँ भीख मांगे, इसकी माँ भीख मांग कर इन बच्चों का गुजारा करे। लेकिन ऐसे में आप बताइए कि जो ये मासूम बच्चे हैं, ये तुम्हारा भाई है? बेटा है। भाई लोग क्या करता है? भाई ना भाई लगाओ कि भाई लोग क्या करता है? भाई लोग कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी नहीं करता है, सब बड़ा बड़ा है। तुम डेली स्कूल जाते हो ना? स्कूल में पढ़ाई होता है अच्छे से? हाँ डेली जाते हैं। डेली जाते हो? अपनी मम्मी को यहाँ से निकालोगे ना? हाँ। अच्छा जिंदगी दोगे ना? घर दोगे ना? हाँ। कैसे दोगे? पर के पास होंगे तो मिलेगा ना? पर के पास होगा तो मिलेगा। बाकी अपने भाइयों की तरह तो नहीं कि भाई आज कुछ नहीं कर रहे तो कल हो के तुम भी कुछ नहीं करो? हम अपना पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे? बस अब पढ़ाई ध्यान के पास होंगे तो अपने मम्मी की जिंदगी देंगे, मम्मी को अच्छा जिंदगी दोगे। अभी मम्मी जो तुम्हारी जिंदगी जी रही है, कभी तुम गए हो भीख मांगने के लिए? नहीं गए हो? मम्मी जाती है। खराब नहीं लगता है देखिए कि मेरी माँ को दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? बेकार तो लगता है। तो कभी उनको रोकते नहीं हो? क्या रोके, माँ है तो मारे लगेगी, तो मारे लगेगी इसलिए। और अगर मान लो कि जिस दिन कुछ पैसा नहीं आता उस दिन खाना कैसे खाते हो? भीख मांगने चल जाएगी, उनसे भीख मांगने चल जाती है। ये बच्चा आपको वो नहीं दर्द बता सकता है, लेकिन इस बच्चे की बात से आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस बच्चे का मन कचोटता है जब इसकी माँ भीख मांगने जाती है। लेकिन इसकी मजबूरी है क्योंकि इसकी माँ को पता है कि अपने 5 बेटों को वो भूखा नहीं सोने दे सकती है, जिसकी वजह से हर रोज वो रोड पे निकलती है, हमसे आपसे और आम लोगों से भीख मांगती है। लेकिन ऐसे में ये बच्चा खुद सोचा है कि अपनी माँ का भविष्य से बदलना है, अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी देनी है। क्योंकि ये जो मासूम बच्चे हैं जिनको अपने भविष्य का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि इनके भविष्य में आने वाले समय में इनको क्या बनना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए अपना, लेकिन इनको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हर रोज़ इनकी मजबूरी है दूसरों के सामने हाथ फैलाना, भीख मांग के खाना खाना। और अगर ये इन बच्चों को भीख नहीं मिलता है तो ये वही चूरा खा के सोते हैं या बिना खाए सो जाते हैं। और ऐसे में
मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी तंत्र हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनको इन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, इनके सर पे भी छत देना चाहिए, ताकि ये बच्चे अब दो वक्त की रोटी कमाने के बजाय स्कूल में जाके पढ़ना शुरू करें। और जिस तरीके से ये अपना बचपन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं ये। इन बच्चों को नहीं पता कि जो जीवन ये जी रहे हैं, ये जीवन ये डिजर्व ही नहीं करते हैं, इनके लिए ये जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसी जीवन को जी रहे हैं। हर रोज़ भीख मांग के खाना खाते हैं, और ऐसे में जिस दिन भीख नहीं मिलता है उस दिन भूखे पेट सो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि जब भी आप सड़क चलते ऐसे बच्चों से मिलते होंगे जो आपसे भीख मांगते हैं, क्या सोचते होंगे आप उनके बारे में? क्योंकि हम आपको सिक्के के दूसरी पहलू दिखा रहे हैं कि जब वो बच्चे भीख आपसे मांगते हैं और आप नहीं देते हैं तो ये भूखे भी सोते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को भीख दीजिए, हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं कि किसी बच्चे को भीख देना चाहिए, हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं, एक आम नागरिक के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी इन बच्चों के लिए क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या बनती है? क्योंकि ये हमारे ही समाज के रहने वाले वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन इनका भविष्य अभी से खतरे में है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो कैसा लगा, वो इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।